नमस्कार, स्वागत है आपका एनपीसीआई की तरफ से। बहुत ही बड़ी अपडेट जो है निकल के आई हुई है। अगर आप कोई भी कंपनी, कोई किसी भी आईपीएस कंपनी का यूज कर रहे हैं तो इस बात को जरूर जानिए, क्योंकि एनपीसीआई की तरफ से इतनी बड़ी अपडेट है। अगर आप इस टाइप का गलती कर रहे हैं, देखिए 99% लोग इस टाइप का गलती करते हैं, अगर आप भी इस टाइप की गलती कर रहे हैं तो आपका आईडी जो है एकदम से ब्लॉक हो जाएगा और जिंदगी में कभी भी कोई आईडी नहीं ले सकते हैं और ना ही सर्विस दे पाइएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रकांत और आप देख रहे हैं सेफ इंडिया। चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा जो अपडेट आया है वो ये है कि अगर आप किसी भी पर्सन का, आप अपने ग्राहक का पैसे विड्रॉ करते हैं तो आप एक उससे चार्ज के तौर पे लेते हैं। आप तो फ्री में भंडारा तो नहीं चला रहे हैं तो उससे चार्ज लीजिएगा। अगर आप 1000 पे 10 रुपया ले रहे हैं या फिर 5 रुपया ले रहे हैं, अगर आप 10 रुपया ले रहे हैं तो 1010 रुपये उसके खाते से ही मैक्सिमम लोग जो है विड्रॉ कर लेते हैं, हम भी करते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, अगर आप 5 रुपया ले रहे हैं तो 1005 रुपया आप विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ही इस टाइप से नहीं करना है, नहीं तो आपका पैन कार्ड के थ्रू आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा और जिंदगी में कभी भी आप आईडी नहीं ले पाइएगा। अगर गलती से मिल भी जाता है तो आप उसको यूज नहीं कर पाइएगा। देखिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने भाइयों, दोस्तों, मित्रों के पास, ताकि उन सबको ये नॉलेज हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसका मतलब कि यूज करते हैं, अपने कस्टमर का मतलब चार्ज के तौर पे वैसे पैसे काटते हैं। एनपीसीआई ये इतना बड़ा अपडेट क्यों लिया है, सभी के पास, देखिए कस्टमर के पास खुले किसी किसी समय या फिर मैक्सिमम समय नहीं रहता है, वो कस्टमर भी बोल देते हैं कि आप उसी में से काट लीजिएगा, ठीक है, तो 1010 रुपया आप काट लेते हैं। लेकिन एनपीसीआई ये इतना बड़ा अपडेट क्यों लाया है, तो देखिए कुछ ऐसे भी रिटेलर्स हैं जो 1010 रुपया उसके खाते से भी काट लिए और कस्टमर से भी उससे 10 रुपया ले लिया, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो कस्टमर के साथ ना इंसाफी हो रहा था। इसी को लेकर के एनपीसीआई जो है सारे बैंकों को आदेश दिया है, सारे आईपीएस कंपनियों को आदेश दिया है कि अगर कभी भी इस टाइप से आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं तो उसको, उस आईडी को पैन कार्ड के थ्रू बंद कर दिया जाए, यानी ब्लॉक कर दिया जाए। हाल फिलहाल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसी तरीके से आप सारे बैंकों से बैन कर दिए जाओगे और आप सर्विस नहीं दे पाइएगा। अगर आपके साथ अगर ऐसा हो चुका है, एनपीसीआई ऐसा कर चुका है, आपका आईडी ब्लॉक कर चुका है, तो आपसे बस इतना अनुरोध है कि ज्यादा भागदौड़ करने का जरूरत नहीं है। आप अपने घर में किसी के नाम से एक आईडी क्रिएट कर लीजिए और फिर से यूज कीजिए। और ध्यान रहे कि आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है इसी मतलब कि तरीका से आप पैसे निकालें। अगर किसी का 100 रुपया निकालना है तो आप केवल 100 रुपया ही निकालें, 100 रुपया 110 रुपया ना निकालें। अगर किसी को 500 निकालना है तो 500 ही निकालें, 505, 510, 515 ऐसे ना निकालें। ऐसे ही 1000 निकालना है तो 1000 निकालें, 1500 निकालना है तो 1500 निकालें। एक्स्ट्रा उस पर चार्ज नहीं करना है, यानी एक्स्ट्रा उस पर कुछ फूट तरीके से पैसे नहीं निकालना है। हम बोलते हैं ना फूट पैसे नहीं निकालना है, एकदम से तरीके से जैसे 100-200 के आप मल्टीप्लाई में पैसे जो है उसको विड्रॉ करके दे सकते हैं कस्टमर को। तो ये एक बहुत ही बड़ी जानकारी थी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।